तो गाइज अभी मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ। लाइक अभी जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो काफी लोग के मैसेज आए मेरे पास कि लाइक वो हार रहे हैं और कैसे खेलना है या कैसे नहीं खेलना। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि आप ये वेरिएबल्स के बेस पे खेलो। आप मैच से पहले ना वेरिएबल्स आप पूरे भर लो और क्या कहते हैं लाइक उसकी एक स्क्रिप्ट बना लो कि कैसे कैसे मैच जा सकता है। ठीक है, मैच वैसे ही जाता है जैसे अगर आपको पिच एंड और पूरे वेरिएबल्स पता हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, ठीक है, तो चलो आज के वेरिएबल्स भरते हैं ये। भले ही चलो ठीक है आप बोलोगे मैं मैच के बाद भर रहा हूँ, बट अगर ये वेरिएबल्स मैच करेंगे तो अगली बार भी मैच वैसा ही होगा जैसे आज हुआ है। ठीक है, तो जैसे आज की पिच क्या थी, एकदम बेल्टर विकेट थी, बैटिंग पिच थी जो कि बैंगलोर की वैसे भी हमेशा बैटिंग ही होती है और वो आपको देखने से पता भी लग जाएगा। ग्राउंड डायमेंशन एकदम स्मॉल था, 60 मीटर की बाउंड्री होती है। चिन्ना स्वामी का जो ग्राउंड है वो वैसे भी मतलब छोटा ही होता है और ड्यू फैक्टर पड़ने के चांस थे जो कि शायद से थोड़ी पड़ी भी थी। ठीक है, तो अब देखो अब बैट फर्स्ट कौन कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया। बैट बॉल फर्स्ट पाकिस्तान। तो आपको ऐसे वेरिएबल्स भरने हैं कि लाइक फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया कितने बैट्समैन थे, लाइक वार्नर फॉर्म में था, लास्ट मैच में मार्श ने 50 मारी थी और स्मिथ भी रन मार रहा है। तो क्या कि हम तीन 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 बैट्समैन हमारे फॉर्म में थे। ठीक है, डेप्थ 9 नंबर तक है। ठीक है, क्योंकि मिचेल स्टार्क 9 नंबर पे आता है और उसने चेन्नई की विकेट पे जब इंडिया के अगेंस्ट मैच था वहां पे भी टफ विकेट पे भी उसने अच्छी खासी बैटिंग की थी। तो अब उसको भी एज ए बैट्समैन तो नहीं बट ठीक है ठीक ठाक बैटिंग कर लेगा तो डेप्थ भी इसकी 9 नंबर तक है। तो वेरी गुड, आप डेप्थ भर लोगे। ठीक है, एक्स फैक्टर बैट्समैन कितने हैं, 4। ठीक है, तो एक्स फैक्टर कौन कौन है हमारा, मतलब वार्नर है, मिचेल मार्श है, फिर ये मैक्सवेल है, वो चला नहीं वो बात अलग है, स्टोइनिस है। तो ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बैट फर्स्ट के मतलब वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब बॉल फर्स्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके एक्स फैक्टर क्या है, 0.5 मैंने लिखा है शाहीन शाह अफरीदी को। 0.5 भी क्यों, अगर पिच कंडीशन अगर स्विंग है पिच में तो फिर वो पूरा पूरा एक्स फैक्टर बॉलर है, बट अगर वो पिच में स्विंग नहीं है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और ओवरऑल बॉलिंग उनकी ओके और गुड है, मतलब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है तो ओके और गुड इसलिए क्योंकि उनका स्पिन अटैक भी अच्छा नहीं है और क्या कहते हैं लाइक और शुरू में वो लोग विकेट भी नहीं ले रहे हैं। तो सिर्फ ना आप एक बार इतने वेरिएबल्स देख के कि मतलब बैटिंग विकेट है, ग्राउंड डायमेंशन छोटा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ अच्छी है, फॉर्म में 3 बैट्समैन है, उनकी ओवरऑल बॉलिंग भी ओके और गुड है, आप सिर्फ इतना वेरिएबल देख के आप क्या करोगे। अगर आपने सोचो मैच से पहले ऐसे भर लिया और आपको ये पता लग गया तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यार ये मतलब काफी हाई स्कोरिंग मैच होने के चांस है, ऑस्ट्रेलिया के काफी रन मारने के चांस है। अगर यहाँ पे सोचो इंडिया की बॉलिंग होती वेरी गुड होता तो आप थोड़ा डाउट में होते कि लाइक ठीक है मतलब पिच भी अच्छी है और मतलब ग्राउंड छोटा है लेकिन बट इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो थोड़ा डाइसी सा मामला रहता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, डेप्थ भी है, सब कुछ है, बट पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी नहीं और पिच बैटिंग है। तो साफ साफ ये वेरिएबल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन मारे भी। तो इसमें देखो 56-57 रेट खुला था तो बहुत लोग क्या है इस रेट पे लगाना पसंद नहीं करते। ठीक है, मत लगाओ लेकिन 40 पे 50 पे खाना तो शुरू मत कर दो क्योंकि लाइक पता है कि रन मारनी है। तो इसमें आप एक ये कर सकते हो कि लंबी खुलती है 328-330 के आसपास खुली थी तो आप लंबी येस कर सकते हो ये सोच के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इनिंग के वेरिएबल्स हो गए उसके बेस पे। देखो अब सेकंड इनिंग के वेरिएबल देखो, जब क्या कहते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन भी ठीक है फॉर्म में है, मतलब उनका लाइक ये अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है, रिजवान फॉर्म में है और इफ्तिकार भी ठीक ठाक फॉर्म में था। ठीक है, तो उनके फॉर्म में 3 बल्लेबाज है, डेप्थ उनकी गुड है, ठीक है, वेरी गुड नहीं है, गुड है। ठीक है, और एक्स फैक्टर बल्लेबाज उनमें सिर्फ एक है इफ्तिकार, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एक्स फैक्टर मतलब बॉलर 1.5, जंपा को आप एक्स फैक्टर बॉलर मानो यहाँ पे और स्टार्क को मैं 0.5 दे रहा हूँ क्योंकि स्विंग नहीं होती इसलिए 1.5। ओवरऑल यहाँ पे गुड और वेरी गुड के बीच में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है। ठीक है, तो फिर अभी मतलब देखो यहाँ पे ना गुड वेरी गुड बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ लाइक इंडिया की है और अगर पिच अगर मतलब थोड़ी अगर काफी टर्निंग ट्रैक हो तो अफगानिस्तान की, उसके अलावा सबकी गुड और वेरी गुड, ओके और गुड ऐसी बॉलिंग है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये वेरिएबल्स देखो। ठीक है, और मतलब और ये क्योंकि पिच आपको पिच भी देखनी है तो इन वेरिएबल्स के बेस पे आप क्या कहोगे। देखो मतलब कि फॉर्म में बैट्समैन है, उनकी डेप्थ भी है तो इसी यही एक रीजन है उनके पास बैट्समैन भी ठीक थे और क्या कहते हैं मतलब बॉलिंग भी गुड और वेरी गुड के बीच में थी। लाइक देखो ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएबल्स के में क्योंकि बस एक्स फैक्टर बैट्समैन सिर्फ एक ही है तो ये चेज होना तो बहुत मुश्किल है मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पाकिस्तान के लिए, बट क्या कहते हैं रेट आ सकता है। क्यों, क्योंकि मतलब उनके पास डेप्थ भी है और फॉर्म में भी प्लेयर हैं। ठीक है, और मेन मेन जो रीजन है कि बैटिंग पिच है, ग्राउंड डायमेंशन छोटे हैं, छक्के मारने में आसानी होगी, ड्यू फैक्टर में हो तो बैटिंग और आसान हो जाती है। तो ये वेरिएबल हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम चेज मतलब चेज हो या ना हो रेट ऊपर आने के चांसेस थे जो कि 10 से 85 तक आया भी था। तो गाइस अभी आप लोग ये सोचोगे ठीक है अभी तो मैच हो गया तो अभी मैं मतलब इजी एकदम प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो मैच में वही बोल रहा हूँ,
देखो गाइस ठीक है, अगर अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो मतलब ठीक है, मैं मैच के बाद ही बोल रहा हूँ, बट अगर आप ये वेरिएबल्स भर के आप खुद से करोगे तो आप नेक्स्ट मैच में जब कभी ये वाले वेरिएबल्स मैच होंगे तो मैच मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। अगर आप मैंने पुरानी वीडियोज में जाके देखो, मैंने हर एक पिच पे कैसे मैच होते हैं, मतलब स्लो पिच पे भी डाल रखे हैं, बैटिंग पिच पे कैसे होते हैं, या फिर आपने खुद आपने चिन्ना स्वामी के मतलब ग्राउंड में देखा होगा पहले, बैंगलोर में जब आईपीएल के मैच होते हैं वहां पे हाई स्कोरिंग मैच ही होता है। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैच से पहले पूरे वेरिएबल्स ऐसे भर लो कि लाइक मतलब पिच कैसी है, ग्राउंड डायमेंशन कैसा है, बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट क्या है, और उसके बाद आप एक स्क्रिप्ट बनाओ कि आज हाई स्कोरिंग हो सकता है, लंबी हमें नो मारनी है, या क्या करना है, कब खाना है कब लगाना, तो आपको बहुत क्लियरिटी रहेगी, तो आपके जीतने के काफी चांस हो जाएंगे। चलो जीतो या ना जीतो, बट आप हारोगे तो नहीं, ठीक है। तो गाइज ये मतलब ये मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो हुआ था चेन्नई में, ठीक है। तो वही ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है फॉर्म में, उतने बल्लेबाज है, डेप्थ वही 9 तक है, वेरी गुड, एक्सपेक्टर वही, बट यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है कि इंडिया की बॉलिंग में एक्सपेक्टर बॉलर 2 है, बुमराह और कुलदीप यादव, ठीक है। वैसे जड्डू ने भी उस दिन बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और ओवरऑल बॉलिंग इंडिया की बहुत अच्छी है, ठीक है, ये तो फर्क है ही। ऊपर से जो मेन डिफरेंस आया ना, उस दिन स्लो पिच थी, पिच एकदम स्लो थी, ठीक है। चेन्नई की पिच हमेशा वैसे भी स्लो ही होती है, मैंने पहले भी ये वीडियो डाली हुई है चेन्नई के मैचेस कैसे खेलने हैं, आईपीएल के लिए डालता वो, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं काफी 2-3 वीडियो के लिंक ना मतलब अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप पक्का चेक कर लेना, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और ग्राउंड डायमेंशन क्या है, मीडियम और बिग है जब चेन्नई की जो ग्राउंड है, तो देखो मीडियम और बिग होने से क्या होता है ना, बैट्समैन को जो अब छोटा ग्राउंड होता है जैसे चिन्ना स्वामी का बैंगलोर का, तो उसमें क्या होता है मिस टाइम जो होता है ना शॉट, वो भी छक्के चले जाते हैं, या फिर बाउंड्री से मतलब एकदम बाउंड्री पे गिरते हैं और छक्का चल जाता है। लेकिन यहाँ पे मिस टाइम शॉट छक्के नहीं जाते और मतलब कैच आउट होने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए ग्राउंड डायमेंशन का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। और मेनली तो यहाँ की पिच स्लो होती है, इसलिए देखो 199 पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। वरना तो अभी फॉर एग्जाम्पल उस दिन बहुत से लोगों ने खाए होंगे पैसे की लाइक ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आएगा मारेगा, क्योंकि उसकी बैटिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब फॉर्म में 3 बल्लेबाज है, एक्सपेक्टर बल्लेबाज वही मिचेल मार्श है, डेविड वार्नर है, सब है, तो फिर भी 199 पे ऑल आउट कैसे हो गई। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार वो 199 पे होगी जब अगली बार भी खेलेगी, बट आपको ना अगर उस दिन आपने खाए होंगे तो आपको बड़ा एकदम ना ऐसे सचेत रहना है कि एकदम अलर्ट रहना है कि ये कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। स्लो विकेट पे जब भी विकेट स्लो होगा कभी भी 50 रन के अंदर 5 या 6 विकेट कभी भी गिर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। बैटिंग विकेट पे ये बहुत रेयरली होगा, लेकिन स्लो विकेट पे मतलब ये मतलब हमेशा चांस रहेगा। जैसे अभी अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था, वो बैटिंग पिच थी, छोटा ग्राउंड था, ठीक है। तो वहां पे अगर जिन लोगों ने इंग्लैंड को जिताया होगा मतलब, तो उस दिन कुछ नहीं कर सकते थे वो, मतलब वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल था, क्योंकि पिच भी अच्छी थी मतलब, और क्या कहते हैं ग्राउंड भी स्मॉल था, तो उस दिन को पकड़ना मुश्किल है उस ऐसे मैच को, और ऐसे मैच में बचना भी मुश्किल है। ऐसे मैच में तो तभी बच सकते हो इंग्लैंड अफगानिस्तान के, उसमें अगर आप लिमिट से खेलो तो उस मैच में बचना मुश्किल था, ठीक है। बट ऐसे मैचों में आराम से बच सकते हैं, ठीक है, कि लाइक कि ऑस्ट्रेलिया पे खा लिया और वो 199 पे ऑल आउट हो गए, और फिर वो बात अलग है कि इंडिया की शुरू में 5 पे 3 आउट होने के बाद बचने का मौका मिला था, तो वहां से लोगों ने अगर लॉस मिनिमाइज कर लिया, बुक बना ली, तो बात अलग है। तो मेरा कहने का मतलब यही है बस कि आप वेरिएबल्स भरो, पिच कैसी है, ग्राउंड डायमेंशन कैसा है, और ये आपके यहाँ पे बॉलिंग कैसी है, बैटिंग कैसी है, आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, और उसी हिसाब से आप एक एंट्री लो, और फिर अगर पहले ही एग्जिट का प्लान बना लो, ठीक है। बाकी अलग अलग मैचेस जो फ्यूचर में आएंगे मैं उनका डालता रहूंगा मैच के बाद। तो अभी आप ये मत सोचना कि यार ये तो मैंने मैच के बाद डाल दिए, अब क्या फायदा। देखो गाइस जब भी नेक्स्ट टाइम भी ये वेरिएबल्स मैच करेंगे ना, सेम मैच वैसा ही होगा, चाहे आप आगे आके आने वाले मैचों में देख लेना। ये सब जो बातें हैं ये मैं पहले वाली वीडियोस में अपने बोल चुका हूँ, अगर किसी ने मतलब वो सब सुनी होगी, फॉलो करता होगा, तो प्रॉफिट में ही होगा। जो कि बहुत सारे पंटर मेरे को मैसेज करते भी कि आपकी वीडियो देख के काफी प्रॉफिट हुआ है, और कमेंट सेक्शन में भी करते हैं, तो वो कोई नकली नहीं है। आप एक बार फॉलो करके देखो, आपका काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।